लास्ट माइक्रोबायोलॉजी के वीडियो में आपको बताया था कि कल्चर मीडियम क्या होता है, क्यों होता है और क्लासिफाई, उसको सिर्फ नाम बताए थे। आज आपको उसमें से एक था कल्चर मीडिया ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी, यानी कि लिक्विड है, सॉलिड है, उसके बेसिस पे था कि थिकनेस क्या है, उसके बेसिस पे था क्लासिफाई किया हुआ, तो उसी को आज क्लासिफाई करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी तीन तरह के जो कल्चर मीडियम होते हैं, एक हो गया लिक्विड मीडियम, एक हो गया सॉलिड और एक होता है सेमी सॉलिड। तो उसी के बारे में आज बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं लिक्विड मीडियम। तो लिक्विड मीडियम जो होता है वो तो समझ ही रहे हैं कंसिस्टेंसी उसकी कैसी होगी, तो लिक्विड होगा वो। और लिक्विड मीडियम में ये बताया हुआ है कि जो बैक्टीरिया ग्रो करता है तो पता कैसे चलता है, तो जब पता कैसे चलता है तो वो टर्बिड हो जाता है। टर्बिड हो जाने का मतलब कि वो धुंधला दिखाई देगा, क्लाउडी थोड़ा सा दिखाई देगा और सरफेस पे पेलिकल्स दिखाई देंगे, यानी कि उसके जैसे अगर ये ट्यूब है लिक्विड मीडियम है उस पर, तो बैक्टीरिया अगर इसमें हम ग्रो करा रहे हैं तो एक तो धुंधला दिखाई देगा, दूसरा होगा कि उसके सरफेस पे छोटे 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 पेलिकल्स दिखाई देंगे या फिर उसके बॉटम पे डिपॉजिट्स दिखाई देंगे छोटे छोटे। तो इस तरह का अगर दिखाई दिया तो समझ में आएगा कि बैक्टीरिया इसमें ग्रो किया है। अगर कुछ भी नहीं हुआ, वैसे का वैसा रह गया, तो इसका मतलब है कि सैंपल में बैक्टीरिया था ही नहीं, इसीलिए इसमें ग्रो नहीं किया है। इसके बाद इसमें बताया हुआ है कि कल्चर मीडिया जो लिक्विड वाला होता है उसका ड्रॉबैक एक्चुअली ये है कि बैक्टीरिया प्रॉपरली पता नहीं चल पाता है इसमें, और ये भी हमको नहीं पता चल पाता है कि किस टाइप का बैक्टीरिया, बस इतना पता चल पाता है कि बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब ये कि सैंपल जो हम पेशेंट से कलेक्ट किए हैं उसमें बैक्टीरिया है या नहीं है, बस इतना ही पता चल पाता है लिक्विड मीडियम पे। अब हम आ जाते हैं सॉलिड मीडियम पे। तो सॉलिड मीडिया की अगर बात करें तो कंसिस्टेंसी उसकी कैसी होगी, तो सॉलिड होगी, लिक्विड नहीं होगी। ठीक है, तो लिक्विड नहीं होगी। अभी जो आप सॉरी इससे पहले वाले वीडियो में आपको दिखाए थे जो इस तरह से प्लेट बना हुआ रहता है, तो वो वाला जो हो जाता है आपका सेमी सॉलिड मीडियम हो जाता है। तो सेमी सॉलिड मीडियम में अगर हम आ जाते हैं तो इसमें बताया हुआ है कि लिक्विड मीडियम में ही अगर हम सॉलिडिफाइंग एजेंट मिला देते हैं तो वो बन जाता है क्या, सॉलिड मीडियम बन जाता है। तो जो सॉलिडिफाइंग एजेंट है जो सॉलिड मीडिया बनाने के लिए यूज़ किया जाता है वो क्या है, तो अगर है, तो अगर अगर है सिंपली उसको अगर बोला जाता है, और ये सबसे कॉमनली यूज़ कर किया जाने वाला सॉलिडिफाइंग एजेंट है। ये बनता कैसे है, तो ये बताया हुआ है कि रेड एल्गी है, रेड एल्गी में भी जेलिडियम जेनरा है रेड एल्गी का, उसी के सेल मेम्ब्रेन से बनता है जिसमें कि पॉलीसेक्राइड प्रेजेंट होता है, उसी से बनता है। और दो चेन होता है पॉलीसेक्राइड का, उसी से ये बनाया जाता है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है, 95 डिग्री सेल्सियस, इसलिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे इंक्यूबेट भी करते हैं तो ये लिक्विड के फॉर्म में नहीं आता है। और एक बात इसके बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर के बारे में, कि इसमें ना ही बैक्टीरिया को ग्रो करने का कोई प्रॉपर्टी होता है और ना ही उसके ग्रोथ को रोकने का कोई प्रॉपर्टी होता है, यानी कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को बढ़ने में या बैक्टीरिया के ग्रोथ के कम होने में इसका कोई रोल नहीं होता है। ये वाली बात याद रखिएगा अगर के बारे में। और अगर जो है वो पाउडर के फॉर्म में ही मिलता है, और न्यूजीलैंड अगर है एक, जापानीज अगर है एक, जो कि कॉमनली यूज़ किया जाता है, जो उसका कंसंट्रेशन 2% और 4% होता है। ये हो गए सेमी सॉलिड मीडियम की बात, सॉरी सॉलिड मीडियम की बात। अब आ जाते हैं सेमी सॉलिड मीडियम में। सेमी सॉलिड मीडियम कहने का मतलब हो जाता है ना कि ना ही पूरी तरह से लिक्विड है और ना ही पूरी तरह से सॉलिड है। किस तरह का हो जाता है ये, तो ये हो जाता है आपको जेली जैसा हो जाता है। और ये बनाया कैसे जाता है, तो कंसंट्रेशन जैसे 2% 4% बता रहे थे अगर का, तो अगर के ही कंसंट्रेशन को 2% में से 0.5 माइनस कर देंगे, मतलब कंसंट्रेशन थोड़ा सा उसका कम कर देते हैं, तो वो सॉलिड ना बन के सेमी सॉलिड रह जाता है। और सेमी सॉलिड मीडियम का सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है कि ये जो है वो बैक्टीरिया की मोटिलिटी को शो करता है, मतलब बैक्टीरिया मूवेबल है, मूवमेंट बैक्टीरिया में होता है कि नहीं होता है, इस बात को ये दिखाता है। और यहाँ पे ये बताया हुआ है कि इसको यूट्यूब में और क्रेगीज ट्यूब में यूज़ किया जाता है, लिया जाता है ग्रोथ कराने के लिए। तो इस तरह का ट्यूब रहता है और उसमें ऐसे बना हुआ रहता है, इस तरह की ट्यूब को यूट्यूब या क्रेगीज ट्यूब बोला जाता है। यहाँ पे जो है बैक्टीरिया मतलब सैंपल रख दिया जाता है, और अगर यहीं पे सिर्फ हुआ तो पता चलता है कि बैक्टीरिया मोटाइल नहीं है, लेकिन इधर इधर चारों तरफ अगर हो जाता है ना ग्रोथ, तब पता चलता है कि बैक्टीरिया मूवेबल है, यानी कि मोटाइल है, यानी कि मूव कर सकता है एक जगह से दूसरे जगह पर। तो ये हो गई बात आपके सॉलिड मीडियम की। और हाँ, इसका डायग्राम इसमें नहीं है, वीडियो के लास्ट में हम लगा देंगे डायग्राम।
सारे का। अब आ जाते हैं हम सेमी सॉलिड मीडियम में। तो सेमी सॉरी ये तो बता दिए, बाईफेजिक मीडियम एक होता है। बाईफेजिक कहने का मतलब दो फेज वाला, समझ ही रहे होंगे। मतलब ऐसा मीडियम होता है ना जिसमें कि लिक्विड मीडियम भी रहता है और सॉलिड मीडियम भी रहता है, इस तरह से रहता है। एक मिनट, ये जैसे कंटेनर हो गया तो इसमें नीचे में रहता है लिक्विड मीडियम और इस तरह से रहता है सॉलिड मीडियम। यहाँ पे सॉलिड मीडियम और यहाँ पे लिक्विड मीडियम। इसमें होता यह है कि बहुत सारा ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसको पहले लिक्विड मीडियम में ग्रो करा करके और फिर उसको सॉलिड मीडियम में डालना होता है सब कल्चर के लिए। लेकिन बायोफिजिक मीडियम में ये फ़ायदा होता है कि लिक्विड मीडियम में जब ग्रो कर गया तो इसको थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं, यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं इस बॉटल को। तो जो लिक्विड मीडियम में बैक्टीरिया ग्रो किया है वो कहाँ चला जाता है, तो सॉलिड मीडियम पर चला जाता है। तो उसी में वो भी ग्रो कर जाता है, दूसरे कल्चर मीडियम में उठा करके निकाल करके उसको सब कल्चर के लिए नहीं डालना पड़ता है। ये फ़ायदा होता है इसमें। इसके बाद सॉलिडिफाइंग एजेंट, जैसा कि आपको बताया कि सॉलिडिफाइंग एजेंट कौन होता है, तो अगर होता है तो उसके अलावा भी कुछ और सॉलिडिफाइंग एजेंट होते हैं। अगर तो सबसे ज़्यादा है, कॉमन है एकदम, वही यूज़ किया जाता है। लेकिन कुछ अदर सॉलिडिफाइंग एजेंट भी होते हैं, जैसे कि हो गया आपका एग योक हो गया और सीरम हो गया, ये भी यूज़ किया जाता है। जो कि यहाँ पे बताया हुआ कंटेनिंग है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया कंटेनिंग का। तो सीरम कंटेनिंग, जो सीरम वाला सीरम को जो यूज़ किया जाता है एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट, तो वो नाम है कल्चर मीडियम का लियोफिलर सीरम स्टॉप। और एग एज अ ये यूज़ किया जाता है तो वो आपका एलजी यानी लर्नस्टीन जेंसन मीडियम होता है। और डॉर्सेट एक मीडियम एक होता है, ये जो है भी यूज़ किया जाता है। तो आपको फिगर अभी मिल इसमें लास्ट में वीडियो के डाल देंगे सारे का, वो देख लीजिएगा कि सॉलिड मीडियम कैसा, लिक्विड मीडियम कैसा, बायोफिजिक कैसा, सेमी सॉलिड कैसा, और देख लीजिएगा अभी। और वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो पूछ सकते हैं कमेंट करके। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।